बैक टू अवर चैनल। आज हम लोग हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। जैसे हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स में हम लोग सबसे पहले एक टेबल डिस्कस करते हैं, प्रायोरिटी ऑपरेटर्स एंड डिस्क्रिप्शन। प्रायोरिटी में हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट प्रायोरिटी। ये टेबल इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं, सपोज हम लोग के पास कोई एक्सप्रेशन सॉल्व करने के लिए होता है, जैसे कि मैथमेटिक्स में होता था। अब यहाँ पे हम लोग सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाएंगे, तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि हम लोग का कौन सा ऑपरेटर कब सॉल्व हो रहा है। तो इसके लिए टेबल हम लोग पढ़ रहे हैं। फर्स्ट हम लोग ऑपरेटर यूज कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलर डिवीजन। सेकेंड प्रायोरिटी हम लोग देते हैं प्लस और माइनस, एडिशन और सब्सट्रैक्शन की। एंड थर्ड वन इज इक्वल, इसको हम लोग सी लैंग्वेज में इक्वल नहीं कहते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, क्योंकि इसका मतलब है जैसे अगर सपोज लिखा हुआ है x इक्वल टू, तो x दो के बराबर है ये नहीं कहेंगे हम लोग। इसका मतलब होता है कि x हम लोग का असाइन हो रहा है, सॉरी टू असाइन हो रहा है x में, तो इसलिए हम लोग इसके यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। यहाँ पे एक्सप्रेशन लिया हुआ है, आई वेरिएबल है जिसके इक्वल्स ये पूरी हम लोग की एक्सप्रेशन लिखी हुई है। तो सबसे पहले अभी हमने पढ़ा था प्रायोरिटी, फर्स्ट हम लोग देते हैं या तो मल्टीप्लीकेशन, अगर हमारी कोई एक्सप्रेशन में मल्टीप्लीकेशन है तो पहले मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन है तो डिवीजन, और उसके बाद मॉडुलर। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक मल्टीप्लीकेशन लगा हुआ है, हम लोग इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लोग का नेक्स्ट आता है 6, उसके बाद पूरी हम लोग की एक्सप्रेशन वैसे ही रहेगी। अभी हम लोग और कुछ नहीं इसमें सॉल्व करेंगे। अब उसके बाद बारी आती है डिवीजन की। डिवीजन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 1, 2, 3 जगह पे यहाँ पे 3 times डिवीजन यूज किया गया है। सबसे पहले हम लोग लेते हैं 6/4। यहाँ पे एक बात और नोटिस करने वाली, 6/4 का जो रिजल्ट आएगा इंटीजर में वो 1 आएगा। कैसे आएगा? 4 ones are 4, 4 ones are 4। अब हम लोग फर्दर मैथ में करते हैं कि पॉइंट लेके जो भी हम लोग आगे यूज करते हैं, बट यहाँ पे हम लोग का ये पूरा इंटीजर में चल रहा है, तो इसलिए हम लोग पॉइंट वाली वैल्यू छोड़ देंगे। तो हम लोग का इसका रिजल्ट आएगा 1। यहाँ पे लिखा हम लोगों ने 1 plus 4/4, इसका रिजल्ट भी 1 आएगा जैसा आप जानते हैं, +8 -2। अब बात आती है 5/8 की, 5/8, 8 ones are 8, 8 से 5 लेस है, तो यहाँ पे हम लोग का 0 point something ऐसा कुछ आएगा, तो ये हम लोग के लिए 0 हो जाएगा पूरा कम्प्लीटली। तो यहाँ पे हम लोग इसको ले लेंगे +0। अब उसके बाद फर्दर हम लोग ने बात की थी सेकेंड प्रायोरिटी एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बारे में। तो एडिशन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 1 + 1 होता है हम लोग का 2 + 8 हो गया हम लोग का पूरा कम्प्लीटली 10। -2 +0, मतलब +0 करने पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो हम लोग ने उसको स्किप कर दिया है। I 10 - 2 = 8। थर्ड प्रायोरिटी हम लोग ने असाइनमेंट ऑपरेटर करती थी, दैट मीन्स अब जो 8 वैल्यू है वो हम लोग की असाइन हो जाएगी I में, और अब हम लोग फर्दर अगर प्रिंट कराना चाहें तो I को प्रिंट करा देंगे जिसकी वैल्यू आ जाएगी 8। आई होप आपको हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स समझ में आया होगा। अगर आपको फर्दर कोई क्वेश्चन या क्वेरी होती है तो आप प्लीज कमेंट करिए और हम लोग से पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए कोई फर्दर वीडियो बना दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस।